अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जुनेद एहसान ऑफिशियल चैनल। हम बच्चों और बड़ों के लिए एजुकेशन से मुतल्लिक तमाम अपडेट लेकर आते हैं। आज भी मैं एक अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो अपडेट है वो एनसीओसी की जो मीटिंग हुई है उसकी तमाम अपडेट मैं आपको देता चलूँ। सबसे पहले तालीमी इदारों में जो छुट्टियों की तजवीज़ दी गई थी उसको खारिज कर दिया गया है। अब मामूल के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में तालीमी इदारे खुले रहेंगे। सबसे बड़ी न्यूज़ यही है कि तमाम तालीमी इदारे खुले रहेंगे, छुट्टियां नहीं दी गई। इसके अलावा एक और जो न्यूज़ है कि जहां कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा हैं वो सूबे या डिस्ट्रिक्ट खुद फैसला करेंगे, उन तमाम स्कूलों को बैन किया जाएगा और वहाँ छुट्टियाँ मुतवक्के हो सकती हैं। इसके अलावा बोर्ड इम्तिहानात का जो शेड्यूल है वो उसी बोर्ड के इम्तिहानात का जो शेड्यूल 29 तारीख को पहला मैट्रिक का पेपर है, इसी शेड्यूल के मुताबिक तमाम पेपर होंगे। एनसीओसी की मीटिंग में ये वाजिया कर दिया गया है कि आल पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड और तमाम पाकिस्तान के बोर्ड्स के जो पेपर हैं वो शेड्यूल के मुताबिक ही लिए जाएंगे, इनमें कोई रियायत नहीं होगी, ये क्लियर कर दिया गया है। आपको फिर बताता चलूं कि एनसीओसी के इजलास में ये तय हुआ है और फैसला हुआ है, तमाम स्कूल खुले रहेंगे, अब छुट्टियाँ नहीं होंगी। इसके अलावा आल पाकिस्तान के बोर्ड्स के जो पेपर थे मैट्रिक के वो शेड्यूल के मुताबिक ही लिए जाएंगे, इसमें कोई रियायत नहीं होगी। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ जो आपके मैट्रिक के पेपर होंगे वो स्मार्ट सिलेबस के तहत ही पेपर होंगे और आपने स्मार्ट सिलेबस में से कोई चीज़ नहीं मिस करनी, क्योंकि पेपर थोड़े से मुश्किल आ रहे थे जैसा कि पहले पेपर हुए हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आपने स्मार्ट सिलेबस को अच्छी तरह तैयार कर लेना है। अब आपके सामने क्लियर है, अब आपके पेपर होंगे, एनसीओसी का फ़ैसला आपके सामने आ चुका है। ये जो बच्चे मेंटरी तौर पर तैयार नहीं थे, आप इस वीडियो को उन तक पहुँचाएँ, सेंड करें और उन्हें कहें कि आप पेपर के लिए तैयार हों। इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपका हामी और नासिर होगा, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे नंबर लेकर पास होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। न्यूज़ अपडेट हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए जज्बे के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।